दोस्तों, अभी मैं लाइव हुआ हूं। मामला है कि 2 दिन पहले मारीपुर के ही एक बच्चे का मार मार कर उसको हत्या कर दिया गया, और आज उसके जनाजे की नमाज है शाम में 4 बजे। मतलब इतना दुखद घटना है कि इस पर क्या कहा जाए, कि मतलब पुलिस का एकदम से ऐसा लगता है कि इकबाल खत्म हो गया है। हमारे मुजफ्फरपुर में भी अब ऐसे हालात हो गए हैं कि एक कुछ लोग मतलब शाम के वक्त पीट पीट कर जान से मार देते हैं। और ये घटना थाने से करीब एलिस कॉलेज के पास है, वहां पे काजी महमूदपुर थाना है, वहां पे एलिस कॉलेज के अंदर खुद यूनिवर्सिटी का प्रशासन है। तब ये वहां पे ये घटना को अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है कि आधे घंटे लोग उसको मारते हैं। इतना हॉकी स्टिक और उसके गर्दन पे चढ़ के लोग उसको मारते हैं और स्पॉट डेथ वो हो जाता है। और उसके साथ जो दूसरा लड़का है वो सिर्फ 14 से 15 साल का है। पता नहीं उसने क्या गलती किया कि उसको उसको भी गले में गोली मार दी गई। वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये वाकई बहुत सोचने का, और ये एक मुअम्मा है कि आखिर ये चीज हो क्या रहा है। और वो बच्चा पढ़ने वाला लड़का, जो पढ़ाई करने वाला लड़का है, उसे ऐसी कौन सी बात हो गई? प्रशासन को सामने आना चाहिए, सब चीज क्लियर करना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो गई, क्या हो गया कि उसको इस तरह से जान से मार दिया जाता है। और पता नहीं कि प्रशासन अब क्या कर रही है, किस तरफ जांच का इसका इशारा है, कैसे जांच कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से ये क्लियर होना चाहिए कि इस तरह से एक 14 साल के बच्चों पे हमला किया जा रहा है, एक 22 साल का, 21 साल का नौजवान है, और उसको इस तरह से जान से मार दिया जा रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे? हम आप तो ठीक है, न्यूज़ सुना और फिर अपने अपने काम में लग गए, खामोशी से चीजों को देख रहे हैं, लेकिन जिस परिवार के साथ ये हुआ, जिस बच्चे ने अपनी जान को गवाया, जिस परिवार ने अपने बच्चे को खोया, उस पे क्या बीत रही है? तो ये चीज ठीक नहीं है। अगर ये चीज हो रहा है, लोग इस चीज को कर रहे हैं, तो पुलिस बहुत त्वरित कार्रवाई करे, इस पे एक्शन ले, उन जितने भी दोषी हैं उनको पकड़े और पता करे कि आखिर मामला क्या है, क्यों, ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से एक नौजवान की जान ले ली गई, एक 14 साल के बच्चे को गोली मारा गया। तो ऐसी कौन सी चीज थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि आप जरूर से जरूर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और जो लोग तक ये वीडियो, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस मामले को समझें, इस मामले की गंभीरता को समझें, कि ये कहने के लिए एक नॉर्मल सा केस है, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस तरह से घटना होना, हमारे शहर में इस तरह से चीजों का होना, ये वाकई सोचने का है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।